नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। थाना विंध्याचल क्षेत्र अंतर्गत शादी समारोह से लौट रहे परिवार से मोबाइल लूट करने वाले दो शातिर बदमाश गिरफ्तार। कब्जे से लूट की मोबाइल व घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल बरामद। थाना विंध्याचल जनपद मिर्जापुर पर वादी अजय गोस्वामी निवासी सरकारी रोडवेज के पास थाना विंध्याचल जनपद मिर्जापुर द्वारा लिखित तहरीर दी गई। दिनांक 9 फरवरी 2023 को परिवार सहित शादी समारोह से लौटते समय अपाचे मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात बदमाश मोबाइल लूटकर भाग गए। उक्त तहरीर के आधार पर थाना विंध्याचल पर मुआवजा संख्या 16/23 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा उक्त लूट की घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए घटना का यशाशीघ्र अनावरण करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु क्षेत्राधिकारी नगर परमानंद कुशवा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई थी। थाना विंध्याचल पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड जेल भेजा गया तथा घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल का वैध कागजात न प्रस्तुत करने पर MV एक्ट में चालान किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा घटना को कारित करना स्वीकार करते हुए बताया गया कि उन्होंने दिनांक 9 फरवरी 2023 को विंध्य विद्यापीठ कॉलेज के पास से रात्रि करीब 11 बजे उक्त अपाचे मोटरसाइकिल से मोबाइल लूटी थी तथा मोबाइल का सिम कार्ड निकाल कर तोड़ कर फेंक दिया था। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। दिनांक 9/2/23 को सूचना प्राप्त होती है कि थाना विंध्याचल अंतर्गत एक परिवार शादी समारोह से वापस लौट रहा था। रात लगभग 11 बजे दो बाइक सवार लड़कों द्वारा एक मोबाइल छीनी गई। उसके उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार टीमों का गठन किया गया। आज दो लड़कों को, जिनका एक नाम है अशोक कुमार बिंद पुत्र दशरथ निवासी गौरा थाना जिगना और एक नाबालिग लड़का जो जिसको पकड़ा गया है, उन सबके पास से मोबाइल फोन जो चोरी की गई थी और बाइक सहित पकड़ा गया है तथा उनको जेल भी भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल स्टार 7 टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें।